सीजीआई चंद्रचूड़ और बार एसोसिएशन में तकरार बढ़ी। बार एसोसिएशन ने बुलाई 16 मार्च को बैठक। सीजीआई से माफी मांगने पर कपिल सिब्बल की होगी पेशी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह के बीच हुई नोकझोंक अब बड़े विवाद के रूप में बदलता दिख रहा है। बार एसोसिएशन ने इस मामले पर 16 मार्च को विशेष आम सभा बैठक बुलाई है। इस बैठक में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और एन के कॉल को कारण बताओ नोटिस भी जारी होगा। बीते दिन बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास सिंह ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को धमकी दी तो चीफ जस्टिस ने कोर्ट से बाहर निकलने को कहा। कपिल सिब्बल और एन के कॉल ने मामले को संभालना चाहा, सीजीआई से माफी मांगी। अब कपिल सिब्बल और एन के कॉल ही परेशानी में पड़ गए। बार एसोसिएशन ने क्यों बुलाई है 16 मार्च को बैठक? बार एसोसिएशन और सीजीआई आमने सामने क्यों हो गए हैं? आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बार एसोसिएशन ने क्यों बुलाई 16 मार्च को बैठक? भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह के बीच वकीलों के चैम्बर के लिए अप्पू घर में जमीन के आवंटन पर पिछले हफ्ते तीखी नोकझोंक के बाद एसोसिएशन की 16 मार्च को विशेष आम सभा बैठक होगी। बहस के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और नीरज किशन कौल के शीर्ष अदालत से माफी मांगने को लेकर इस जीवीएम में उनसे स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। एससीबीए के 235 व 184 मेंबर्स के हस्ताक्षर वाले दो अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। दोनों अनुरोधों में अध्यक्ष के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए तत्काल जीवीएम बुलाने की बात कही गई थी। सीजीआई चंद्रचूड़ और बार एसोसिएशन के बीच विवाद की वजह क्या है? दरअसल होली की छुट्टी के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से उस याचिका पर सुनवाई की मांग कर रहे थे जो वकीलों के चैम्बर के लिए जमीन आवंटन से जुड़ी हुई थी। एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि वे 6 बार इस याचिका पर सुनवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हर बार सफल नहीं रहा। इस पर चीफ जस्टिस ने विकास सिंह को खाली वक्त में आने को कहा। फिर विकास सिंह ने कहा उन्हें इस मामले को जजों के घर तक ले जाना पड़ेगा और कहा हमें आपके घर आना पड़ेगा। बस इसी बात पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ बुरी तरह नाराज हो गए थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट में विकास सिंह पर चीखते हुए उन्हें बाहर निकल जाने को कहा और कहा कि उनके कैरियर में किसी ने इस तरीके से उनका अपमान नहीं किया, अपने कैरियर के आखिरी 2 सालों में वे भी ऐसा होने नहीं देंगे। बाद में इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल और नीरज किशन कौल ने बार एसोसिएशन की तरफ से चीफ जस्टिस से माफी मांगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 235 मेंबर्स ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और संजय किशन कौल पर बिना पूरे मामले को जाने समझे चीफ जस्टिस से माफी मांगने के लिए कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन के 184 मेंबर्स ने एडवोकेट विकास सिंह का समर्थन किया, जबकि 235 मेंबर्स ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि कपिल सिब्बल और कॉल से स्पष्टीकरण मांगा जाए। 16 मार्च को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई है, यानी बार एसोसिएशन ने एकजुट होकर सीजीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।